हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज सी नंबर सिस्टम। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये सब नंबर जो है ये पॉइंट में दिया गया है, इसे हम पी बाई क्यू में फॉर्म करेंगे। तो ये पॉइंट जो है ये हट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऊपर में नंबर होगा और नीचे में कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन में 3.35 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया 3.35, उसके बाद 3 पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 335। तो यहाँ पे हमने पॉइंट को हटाने के बाद 335 हमने यहाँ पे लिख दिया, और पॉइंट के बाद जो नंबर है, दो नंबर है तो दो जीरो जो है वो डिनोमेटर में आ जाएगा वन के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। तो 335 डिवाइडेड बाई 100 हो गया ये, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे फॉर टू डेसिमल प्लेसेस वी पुट 100 इन द डिनोमेटर। तो डिनोमेटर में जो है वो हमने 100 लिख दिया है, और टू डेसिमल्स है इसलिए टू डेसिमल्स के बाद जो नंबर है वो दो नंबर है इसलिए 100 आ गया डिनोमेटर में, ठीक है। तो देखिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 565 जो हो जाता है 395, और 520 जो हो जाता है 100, ठीक है। तो यहाँ पे 67/20 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 67/20। हैंस 3.35 इज इक्वल टू 67/20, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.90 को अगर हम पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 990 लिखने के बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद दो नंबर है इसलिए डिनोमेटर में दो जीरो आ जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर टू डेसिमल प्लेसेस वी पुट 100 इन द डिनोमेटर। तो यहाँ पे डिनोमेटर में जो है वो हमने 100 लिख दिया है, क्योंकि दो डेसिमल्स के बाद दो नंबर है, दो डेसिमल्स है यहाँ पे इसलिए 20 आ जाएगा डिनोमेटर में। देखिए यहाँ पे 00 जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 99/10 हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा है 99/10। उसके बाद हम लिखेंगे हैंस 990 इज इक्वल टू 99/10, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1.0001, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4 नंबर है इसलिए 40 आ गया नीचे में, तो ये हो जाएगा 10,000, 10,001/10,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फोर डेसिमल प्लेसेस वी पुट 10,000 इन द डिनोमीटर। तो 10,000 हमने डिनोमीटर में लिख दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद फोर नंबर है, चार टू नंबर है, तो यहाँ पे फोर डेसिमल प्लेसेस लिख दिए, उसके बाद 10,000 डिनोमीटर में लिख दिए, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हैंस 1.0001 इज इक्वल टू, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू।